नेक्स्ट है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दो किस्म के सेमीकंडक्टर्स हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब जिसमें सारे एटम जर्मेनियम है तो जर्मेनियम के ही रहेंगे, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं इस पर डोपिंग कर दूँ और एक आध एटम एल्यूमिनियम का डाल दूँ तो ऐसे केस में वो एक्सट्रिंसिक बन जाएगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, ये प्योर है लेकिन मैं इम्प्योर बनाना चाहता हूँ। इम्प्योर बनाने के लिए मेरे को क्या करनी पड़ेगी, डोपिंग। तो डोपिंग करनी पड़ती है, बाहर से एटम डालना पड़ता है, एक जर्मेनियम हटा के एक और एटम डाल दो मान लो एल्यूमिनियम का किसी भी चीज़ का, तो वो एक्सट्रिंसिक हो गया। तो ये इंट्रिंसिक है। लेकिन डोपिंग की क्वांटिटी बहुत कम होती है, 1 in 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 एटम में सिर्फ एक डोपेंट डालना है, बस इतनी की होती है ये बिल्कुल। और जब डोपिंग करते हैं कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जो एटम रिप्लेस करना है डोपेंट के साथ वो एटम मिलता जुलता होना चाहिए बाकी स्ट्रक्चर के साथ। ऐसा ना हो कि बाकी सिलिकॉन है और ये कुछ और हो जाए जिसका साइज बहुत बड़ा हो जाए, जो बॉन्ड ना बना पाए या खाली वॉइड क्रिएट कर दे। ये सब डिफेक्ट्स हैं, ये नहीं होने चाहिए, बस ये याद रखना है। डिफेक्ट पे क्वेश्चन नहीं आता, बट बता रहा है कि डोपिंग बड़े ध्यान से की जाती है, मिलते जुलते एटम के साथ की जाती है।